नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संबोधी और आज हम बात करेंगे कूलपैड नोट 5 की, इसके प्रोज एंड कॉन्स की। हमारे पास दो एक्सपर्ट हैं इसके लिए, प्रोमिया और कॉन्टचा। तो चलिए हम प्रोमिया के पास चलते हैं। अम्मा भैया, पहले ये बताओ कि कूलपैड नोट 4 कहाँ है। प्रोमिया, लोगों के पास टाइम नहीं है, तो आप प्लीज़ प्रो पहले बताएं। तो बात करें अगर बैटरी की, तो बैटरी 4000 mAh की, आप पूरे दिन आराम से चला सकते हैं आप। और जो हमारी रैम है वो 4GB सफिशेंट है, बहुत अच्छे काम करने के लिए, फ्यूचर प्रूफ भी है। स्मूथ गेमिंग एक्सपीरियंस है इसमें, आगे की तरफ फ्लैश है जिससे आप सेल्फी खींच सकते हैं। IPS डिस्प्ले है 2.5D का कर्व के साथ। डुअल सिम है हमारा वोल्टी के साथ, तो आप जियो के साथ मजे कर सकते हैं भैया। फिंगरप्रिंट स्कैनर, यूनिबॉडी डिज़ाइन और एंड्रॉयड 6 है इसमें, तो बहुत ही अच्छी बात है। ऑक्टा कोर प्रोसेसर है जो अच्छी मल्टीटास्किंग के लिए आता है, लेकिन गर्मी भी पैदा करता है। क्विक चार्ज भी है इसमें। मामिया, अब तो बता दो कि नोट 4 है कहाँ। प्रोमिया, जाइए, आपका इंतजाम हो रखा है उस अगले कमरे में, जाइए, आप क्या नोट 4 के चक्कर में चल रहे हैं। तो चलिए चलते हैं हम कॉन्टचा के पास। हाँ, तो ऐसे बता रहे हैं कि इसका प्राइस तो बहुत ही ज़्यादा है कंपटीशन के हिसाब से। इसकी जो बैटरी है वो ज़्यादा होने के कारण ही थोड़ा सा बल्कि भी है, 9 mm का है। अगर आप देखें तो इसकी बैटरी रिप्लेसेबल भी नहीं है, अगर ख़राब हो गई तो रिप्लेस कैसे करेंगे आप। हाइब्रिड सिम स्लॉट है या सिम लगा सकते हैं या मेमोरी कार्ड, हमें समझ नहीं आता। अब हम फ़ोन करें या हम पिक्चर देखें। क्विक चार्ज, क्विक चार्ज का भरोसा ही कहाँ रहा है आजकल, बोलते हैं क्विक चार्ज और डोर वो 3-3 घंटे लगाता है। थैंक यू कौन चचा बताने के लिए कौन। तो दोस्तों, फाइनल वर्डिक्ट क्या है। तो फाइनल वर्डिक्ट ये है कि इस प्राइस रेंज में बहुत सारे फ़ोन हैं हमारे पास जो और भी अच्छे हो सकते हैं, जैसे रेडमी नोट 3 और मोटोरोला के मोटो जी फोन्स, तो हम उसकी तरफ जा सकते हैं। तो आप डिसाइड कीजिए कि आपके लिए क्या ये फ़ोन बेटर है कि नहीं। दोस्तों, मैं हूं संबोधी और इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपके पास प्रो, मिया और कौन चचा के लिए कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में आप छोड़ सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।